इस समय हम आए हैं यहाँ अपने भाइयों के घर घूमने, जो कि अभी घर बन रहा है, अभी बना नहीं है। ये एकदम रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है, ये देखिए पूरा रेलवे क्रॉसिंग गई है यहाँ पे। तो अभी ये बन रहा है, यहाँ काम लगा हुआ है, बस देखने आए थे कितना बना है। ये जो पिछला व्लॉग था उसके आगे से ये व्लॉग बनाया हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और जो लोग अभी वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जगह ऊपर से प्लेन, नीचे ट्रेन, सारी सुविधाएँ। हमारे घर के पास एक ट्रेन जा रही है, ये मकान हम लोग का बन रहा है, तो हम लोग आए थे बस देखने के लिए कि मकान हमारा कितना बना है। क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बगल में बढ़िया ट्रेन जा रही है। अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। मेरा सूर्या आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह से निकले घर से ना, पूरा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शाम हो गई। आज हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम पूरा इसी घर में बीत गया था। दीदी ने कर ली है बच्चों के लिए मार्केटिंग, क्योंकि अब हमें कल जाना भी है, हो गई हमारे जाने की तैयारी। ये नज़ारा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जहाँ हम आ गए हैं किचन में। पापा ने चाय बनाई थी तो हम चाय पी लेंगे, और दीदी और सोमू बाहर लगे हैं गेहूँ धुलने में, और इधर मैं अपनी तैयारी भी करने लगी हूँ। मेरी तैयारी सारी हो गई है, तो मैं मिसू को रेडी भी कर चुकी हूँ, जल्दी से इसे शूज़ पहना लेते हैं। क्योंकि पहले हमारा था टाइम कि हम ट्रेन से जाएंगे, बट अचानक से क्या हुआ कि पापा का कॉल आ गया और हम लोग। देखो मेरी फ्रेंड आभा, मेरे बचपन की दोस्त है, स्कूल में हम लोग आभा का ही फोटो मैंने लगाई है, एक दिन स्टेटस लगाई। मेरे बचपन की दोस्त है, अचानक से मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताए बहुत चेंज हो गई, पहले ना बहुत अजीब थी मिस मैडम, बस पढ़ाई करती थी। अब मैडम हमारी बस आ गई है गेगासो पुल में। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं तक, मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल दोस्तों।